इस गर्मी के मौसम में उपयोग आने वाला मेकअप तो ना तो बहुत ज़्यादा है, और जो मेकअप अभी तो गर्मी इतनी चिपचिप है, मौसम इतनी चिपचिप सभी को हो रहा है ना, तो इस चिपचिप मन नहीं करता। और बहुत हल्का फुल्का लाइट मेकअप करेंगे, लाइट वेट करेंगे, और हर कोई कर सकेगा। मेकअप से मेकअप करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, यार मेकअप करेंगे तो वो तो पसीने से उड़ जाने वाला है, तो वो नहीं उड़ेगा। और मैं जो जो बताऊंगी वैसे आप अगर करते हैं तो मेकअप आपका फाइनली बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ कर जरूर देना, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कि मुझे जानकारी मिली तो मैं आपके से शेयर कर रही हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ये है हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर। सो ब्यूटी ब्लेंडर को क्या करेंगे हम, आप ये देखिए कितना छोटू सा लग रहा है ब्यूटी ब्लेंडर। अभी ये नॉर्मल है, ब्यूटी ब्लेंडर से तैयार होने से पहले इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं, तो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते। तो इसको क्या करना है, कैसे तैयार करना है, ये कैसे काम करता है, मैं अभी सारी चीज़ आपको बताऊँगी। तो फैमिली उसके लिए हमें चाहिए पानी, ठीक है। इस पानी में हम इसको बहुत अच्छे से डिप कर देंगे, या इसको डिप करेंगे, थोड़ा सा पास में लेकर कैमरा लेंगे। जब हम इसे डिप करेंगे तो गाइस अपने साइज से दो गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, और इसको हम कम से कम 5 मिनट तक हम इसके अंदर डिप ही कर देंगे। ये डिप है, पूरी तरह हम इसको डिप कर देंगे। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर गंदा है तो आप उसको जो है शैम्पू से धुल लीजिए, ताकि उसमें जो पहले से लगा हुआ होगा फाउंडेशन वगैरह साफ़ हो जाएगा। तो खुद को तैयार करने से पहले ये पहले इसको हम भिगो कर रख लेंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो गाइस देखिए, हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है पूरा पानी के अंदर जा चुका है, तो इसका मतलब हमारा पानी, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर ने बहुत अच्छे से पानी को सोख लिया है। अब आप इसको ये देखिए, ये है थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ये देखिए। अभी इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर वही सबसे मस्त होता है जो अपने साइज से दोगुना बढ़ता है। अब इसको अच्छे से हम इसका पूरा पानी सोख कर देंगे, और मेकअप करने के 10 मिनट पहले इसको तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इससे हम मेकअप करेंगे। और इससे मेकअप करना भी मैं बताऊंगी, इससे मेकअप करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, आगे बने रहिएगा वीडियो में। तो बहुत अच्छे से, तो ये लाइट वेट हो गया है, ये देखिए, और अपने साइज से कितना बड़ा हो गया है ना, पहले कितना था अभी कितना है। तो इसको बहुत ज़रूरी है भिगो के रखना, सोख करके रखना। तो बस ये हो गया, अब इसे हम रख देते हैं, अभी आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे के काम के लिए हमें चाहिए गाइस टमाटर।
जो हर घर में होता है। हनी, अगर आपको टमाटर सूट नहीं करता तो आप इसके बदले आप नींबू ले सकते हैं, ठीक है। और ये है हनी, और हनी जो है हम टमाटर के ऊपर ऐड करेंगे। और अगर आपको हनी सूट नहीं करता तो आप इसके ऊपर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरा हनी जो है फ्रिज में रखने से वैसा नहीं हो जाता है, वो थोड़ा सा जम सा गया है। तो हम इसके ऊपर पूरा टमाटर के ऊपर ये पूरा ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हम इसको अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। गर्मियों के मेकअप के लिए है गाइस, और बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको मेकअप करने में पसीना तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है गाइस। पूरे चेहरे पे हम अच्छे से कर लेंगे। देखिए इसी तरह आप पूरा गर्दन कवर करिए बहुत अच्छे से। पूरा चेहरा कम से कम 5 से 10 मिनट करना है गाइस। तो गाइस ये मैंने कर लिया है, हो गया 10 मिनट, मैंने वीडियो रोक दिया था और मैंने कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको साफ कर लेती हूँ चेहरे को, फिर मिलती हूँ आपसे। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं बचने के लिए, बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद गाइस हमको चाहिए, आपके पास अगर गुलाब जल हो तो गुलाब जल की आइस क्यूब वगैरह होती है ना, आइस क्यूब होता ना, बर्फ़ या बर्फ का टुकड़ा तोड़ लीजिए या आइस क्यूब जमा लीजिए, गुलाब जल की आइस क्यूब बना लीजिए, जमा के पूरे चेहरे पर ठंडा लग रहा मेरे को अभी कल इसी से हम पकड़ कर लेते हैं। तो पूरे चेहरे पर हम बर्फ मेकअप करने के बाद, पहले आप ये सब चीज़ें कर लीजिए, आप देखेंगे मेकअप आपको कितना बढ़िया सा टिक रहा है, पसीना तो आपके चेहरे पे आएगा ही। वाह एकदम फूल, मजा आ गया। पूरा इतनी जल्दी से सोख रहा है पानी, मतलब बर्फ पूरा इतना पिघल रहा है कि स्किन गर्म है ना। तो अब इसको हमें क्या करना है, अब हल्के हल्के हाथों से हम अपने चेहरे पे ही फिंगर से ही ऐसे 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 करते जाएंगे ताकि मसाज देंगे। देखिए बहुत अच्छी सी मसाज चारों तरफ ऐसे मसाज दे लेंगे, और इसको पूरा सुखा लेंगे, ठीक है। तो सुखा लेते हैं फिर मिलते हैं। अभी गाइस हमें चाहिए एलोवेरा जेल, आपके पास अगर ये वाला हो, ये वाला क्या एलोवेरा जेल, कोई भी हो, पतंजलि का भी हो, मेरे पास नेचर का है, तो आपके पास कोई भी हो या आपके पास पेड़ लगा हो तो भी अच्छा है। तो थोड़ा सा हमने एलोवेरा लिया और हर जगह लगा लिया, स्किन हमारी बहुत अच्छी सी। इसको भी अच्छे से सुखा लेंगे, स्किन हमारी अब्सॉर्ब हो जाए। अच्छा था, हो गया बहुत अच्छा लगा, ठंडा ये भी ठंडा है और हमने वो आइस लगाई तो उसे ठंडा है। तो ये चलिए अब हम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको इंतज़ार कर लेते हैं 5 मिनट। गाइस ये है मेरा फाउंडेशन, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, मेरे पास जो है वो लगा रही हूँ। तो इसको सीधे अरे सॉरी सॉरी अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा लेंगे, आप स्किन पे भी लगा सकते हैं लेकिन इस पे लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा।
और इससे लगाने से आपका जो फाउंडेशन है ना बिल्कुल नेचुरल लुक लाता है, मतलब ओवर फटा फटा नहीं रहता है, जैसे कि हम लगा लेते हैं तो फटा फटा लगता है। तो गाइस ये है, अब हम इसको लगाएंगे। जैसे हम बॉल को डीप करते हैं ना, जो हम बॉल बच्चे हमारे खेलते हैं, अपने स्किन के हिसाब लीजिएगा उसी हिसाब से हम इसे लगा लेंगे पूरे। और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी फाउंडेशन वगैरह, ये फाउंडेशन है ना, आपके चेहरे पे बहुत अच्छे से चला जाएगा और स्किन भी जो है आपको मतलब ओवर मेकअप नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नेचुरल दिखाएगा। इस तरह से अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ही दिखाएगा। और देखिए तो इस तरह हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे। तो गाइस पूरा मतलब फाउंडेशन वगैरह जो है सेट हो गया अच्छे से। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसीना आता हो, आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो कॉम्पैक्ट पाउडर जरूर लगाइएगा। अभी मुझे देखिए एक पसीना नहीं आ रहा, अगर मेरे नाक को ठंडी हो रही, सॉरी ऐसा मच्छर भी कराता था, सॉरी आज हंसी वाला कॉमेडी वाला कोई वीडियो नहीं है, सॉरी कॉमेडी वाला होता तभी हंसी आती। तो गाइस अभी हम लगाएंगे हंसते हुए थोड़ा सा, और लिपस्टिक ज़्यादा मतलब महंगे प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे फालतू वाली चीज़ें, अभी इसी को ही हम लगा लेंगे। आप देखिए अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लगाने के बाद अपने हंसते हुए चीज पे आप इससे लगाइए, बिल्कुल नेचुरल लगेगा गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है इससे, मतलब बहुत अच्छे से लग जाता है। और लगा लीजिए थोड़ा सा और अपने पियोस है पता नहीं कर रहा है। तो देखिए बहुत ही नेचुरल सा आता है, तो लगा लिया मैंने और बहुत ही हल्का सा हम इससे ही आइस पे लगाएंगे, बहुत हल्का सा, जो लड़कियां करती होंगी पता होगी। और ये लड़कियों के लिए भी है और लेडीज़ के लिए भी है, हमारी जैसे लड़कियां भी कर सकती हैं आजकल, तो वैसे ये नोज पे तो चैलेंज चल रहा है। अब देखते हैं ना नोज भी लाल लाल रेड रेड रहती है, चल रहा है, क्यूट लगता है, अच्छा लगता है। देखिए तो ये मैंने लगा लिया, उसके बाद हमें चाहिए आपका अगर लाइनर लगाने का मन हो तो दो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, मैं तो लगा रही हूँ अपना सा लगाऊंगी, काजल नहीं लगाऊंगी, काजल गाइस फैल जाता और फैलेगा नहीं वैसे, लेकिन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हैवी मेकअप नहीं करना है। तो आप देखिए अच्छे से मतलब जो मैंने लगाया ना ये नेचुरल लुक देगा। मतलब पूरा आप साड़ी में भी कर सकते हैं, बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, बढ़िया मेकअप आपका चेहरा थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करेंगे, अगर हमारी जैसी थोड़ी सी अगर जिसकी नाक आपको चाहते हैं, नाक आपकी खड़ी और ऐसे चाहिए कट वाले, अगर आपको फेस चाहिए तो आप देखिए
थोड़ा सा ऐसे आइए, फोन तोड़ी में वैसे करेंगे। और ये मैं एंडी प्लानर से कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो वो तो आप उसी से करिए, अगर फोन तोड़ आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और नहीं है तो ये मेरी तरह आप करिए बजट में। इधर से लाइन लेंगे, और ये ब्यूटी ब्लेंडर का ये हिस्सा हम पकड़ेंगे ऐसा करके, इसको सेट कर देंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी नोज जो है बहुत ही अच्छी सी एक कट सा आ रहा लेके आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है बढ़िया सा। तो हम इसी तरह इसको पूरा ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस फाइनल मेरा मेकअप हो गया, अभी मैं फाइनल लिपस्टिक वगैरह और हेयर स्टाइल थोड़ी सी करके फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, तो मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, सिंपल एंड सोवर। आप देखिए बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा नजदीक थोड़ा और पता है थोड़ा पीछे करो बात करना। आपको ये मेकअप आपका आपको कैसा लगा? ये मेकअप मैंने लड़कियों के लिए बताया है, और बाकी आप इसमें देखिए मैंने सिंदूर विंदूर लगाया है वैसे, और आप अगर चाहते हो साड़ी पे भी कर सकते हो बिंदी लगानी केवल, और बहुत लाइट वेट मेकअप है और बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बिल्कुल आपका ही स्किन से ही जाएगा और ओवर नहीं लगेगा, आपको खुद नहीं लग रहा होगा, बस बिंदास मेकअप लग रहा है स्मार्ट वाला। तो कैसा लगा कमेंट करना और लाइक करना, फिर मैं पहले से कर चुकी हूँ। और अब मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ, और जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिससे प्यार करते हो उसका ख्याल रखो। ओके फैमिली, बाय, लव यू, बाय।